कसा कर दिया था देखो भांजे ने। इंडियन हिस्ट्री में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि रेलवे इतना सुनसान दिख रहा है लॉकडाउन की वजह से। अभी लॉकडाउन खुल गया है लेकिन फिर भी इतना सुनसान लग रहा है ना। मैं खुद मुंबई में 5-6 साल से हूँ लेकिन ऐसा पहली बार देखा मैंने। पहली बार हुआ है तो पहली बार देखूँगा, कोई पब्लिक नहीं है। लॉकडाउन खुलने के बाद भी केवल पुलिस वाले दिख रहे हैं, स्टाफ दिख रहे हैं, कुछ पब्लिक है जिसको टिकट कैंसिल कराना है, और कुछ लोग हैं जो शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं, बस वही लोग दिख रहे हैं। देखिए आप लोग दिख रहे हैं, कहीं कोई नहीं, कोई पब्लिक नहीं। बाहर गाँव जाने के लिए ट्रेन आ रही है, जा रही है, लोकल ट्रेन कोई नहीं चल रही है, देख सकते आप। उधर दिखाइए, देखिए उधर बाहर जाने के लिए ट्रेन आ रही है। इस प्लेटफॉर्म पे हमेशा कोई ना कोई ट्रेन लगी रहती थी, ऐसा पहली बार हुआ है इंडियन हिस्ट्री में कि इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन नहीं है। नहीं तो हर एक मिनट पे, दो मिनट पे या कंटिन्यू हुई यहाँ पर ट्रेन रहती रहती थी हमेशा। देखिए पूरा एकदम कोई ट्रेन नहीं, सब सुनसान, सब लगे हुए हैं। एक ट्रेन आई उधर बाहर गाँव जाने के लिए, देख सकते हैं आप। पब्लिक कोई नहीं है, जो बाहर जाने के लिए हैं वही लोग, कुछ लोग हैं, कुछ पुलिस स्टाफ है। नमस्कार, अभी लॉकडाउन के बाद मैं पहला ट्रेवल कर रहा हूँ। लॉकडाउन खुलने के बाद 3 महीने से मैं जेल की तरफ बंद था, एक ही घर में, एक ही रूम में। अभी जस्ट निकला हूँ मैं 5 मिनट पहले, और बीच बीच में मैं वीडियो बना बना के आप लोगों को दिखाता रहूँगा कि मैं कहाँ पहुँचा, क्या चल रहा है, क्या परेशानी है। कोई किसी को परेशानी होता है वो भी वीडियो बना के दिखाऊँगा मैं आप लोगों को। कोई सुविधा मिलता है, कोई अच्छाई होती है सरकार की तरफ से, वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। और अभी मैं निकला हूँ विरार से बांद्रा के लिए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं नज़ारा बाहर का, और ओला कैब किया है मैंने। मेरे साथ जो ड्राइवर हैं उनसे मेरी बात हुई अभी, बहुत अच्छा उनका बात व्यवहार है, उनको भी देख सकते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, अभी मैं अगला बनाता हूँ वीडियो, और जो जो होता रहेगा वो मैं आप लोग को दिखाता रहूँगा। परेशानी होगी वो भी, अच्छाई होगा वो भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ। लॉकडाउन का असर चारों तरफ दिख रहा है, लॉकडाउन खुल गया है, अनलॉक हो गया है, लेकिन फिर भी सुरक्षा, प्रोटेक्शन, कोरोना का असर, क्या सुरक्षा करना है, कैसे ट्रेवल करना है, बहुत सारे नियम कानून बन चुका है, उस समय बताता रहूँगा आप लोगों को। चलिए मिलते हैं फिर। ये मुंबई की लोकल ट्रेन, रात के 11 बज रहे हैं, देखिए पूरी खाली है। लॉकडाउन के बाद आखिरी ट्रेन है ये,
अभी केवल गवर्नमेंट पर्सनल को अलाउ हुआ है इस ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए। ये खुली ट्रेन पूरी खाली है, एक भी आदमी नहीं दिख रहा है। नॉर्मल डेज में रात को 12 बजे भी भीड़ रहता है। देखिए पूरी ट्रेन में एक भी आदमी नहीं दिख रहा। ये बोरीवली स्टेशन है, सुनसान एरिया। ये टपक गया है। जिला उपाध्यक्ष कोई स्टाफ नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई पब्लिक नहीं। हेलो गाइस, तो मैं अभी मुंबई से अपने गांव आ चुका हूँ तिवारी टोला। आज मैं अपने पैतृक जो मेरा घर है, बहुत पुराना बना हुआ है, मेरे जन्म से पहले का बना हुआ है, आज मैं वो आप लोगों को विजिट कराने वाला हूँ। उसका लोकेशन दिखाने वाला हूँ, कैसा बना हुआ है बाहर से भीतर से। हो सकता है कहीं लाइट की कमी हो तो आप लोग देखिएगा वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा मेरा पैतृक घर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ, आप लोग बताना चाहूँगा कि वीडियो जो घर जो बना हुआ है वो रोड, बीच में रोड है और दोनों तरफ घर है, इधर भी और इधर भी, तो दोनों में दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है क्वारंटीन रूम। ये देखो पुराने ज़माने का टेबल, ये इन्वर्टर, ये पुराने ज़माने की कुर्सी, ये मेरी मम्मी। अभी आते हैं अंदर के कमरे में। ये एक रहा रूम, और ये रहा आंगन, ये रहा एक रूम। ये मेरे दो नंबर भाई इसमें रहते हैं। सब कमरे में अंधेरा है, ऐसा लगेगा कोई भूत रहता है। इसमें रहते हैं मेरे एक नंबर भाई, कोई है नहीं रहने वाला, सब में अंधेरा है। इसमें बच्चे लोग रहते हैं या कोई गेस्ट आया तो उसके लिए है ये, तो इसमें भी अंधेरा ही रहता है। सब अंधेर कोठरी है, ऊपर देख सकते हैं आप लोग कुछ का। सब रूम में अंधेरा है,
एक ये रूम है, एक ये रूम है, एक ये रूम है, एक ये रूम है, ये लॉक लगा हुआ है, एक ये बरामदा, ये पुराने जमाने का हवेली जो रहता था ना उस टाइप का है। ये सीढ़ी है, ये घर बना था लगभग 1980 में स्टार्ट हुआ था बनना। ये किचन है, ये बाथरूम टॉयलेट। यहाँ किचन इतना बड़ा है कि बड़े बड़े शहरों में इतना बड़ा किसी का फ्लैट नहीं होता जल्दी से। ये पीछे भी गार्डन, ये देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा बहुत खेती भी हुआ है इधर। ये फ्लावर्स, ये हैंडपम्प जो कि सूखा हुआ लग रहा है। ये इधर एक बाथरूम, ये पार्किंग के लिए है। अगर 10 गाड़ी हो तो 10 गाड़ी भी पार्क हो जाएगा इधर। और ये हो गया साइड से लुक। तो हो गया घर, ये हो गया रोड। अभी इधर आइए, ये हो गया द्वार। वो गाना सुने ना, तेरे द्वारे पे आया बारात, कुछ ऐसे गाना है वो। ये द्वार है, इधर देखो ये भैंस, मतलब खेती वगैरह का सामान रखा जाता था इधर। पहले भैंस वगैरह था तो उसके लिए ये मशीन था, चारा काटने का मशीन। इधर भैंस का घर था, इधर दिन में इधर रहती थी भैंस, और सोने के लिए इधर, ये चारा के लिए, ये गाड़ी पार्किंग के लिए, या भैंस कभी आराम करे इसके लिए था। उधर खाने का सामान रहता था भैंस का। ये द्वार हो गया, इधर पीछे में गली है थोड़ा, उसका चारा वगैरह कर लिया था उधर। ये हो गया छत,
ये गार्डन है पीछे के घर का। ये घर की एक साइड का बैकग्राउंड हो गया। दूसरे साइड का और एक साइड गार्डन था और ये चौथी साइड का। एक बैकड्रॉप, एक फ्रंट, एक साइड में, एक पीछे गार्डन और ये सीढ़ी। कोई रहता नहीं है इधर, इसलिए सब गार्डन भरा भरा है। तो इस एरिया में मैं आया हूँ, ये मेरा गांव है। यहाँ पे मैं आया हूँ क्वारंटीन अपना रखने के लिए। मतलब मुंबई से आया तो भी पूरी फैमिली है ना यहाँ पे, तो क्वारंटीन सेंटर पे मैं ना जाके यहीं पे अपना सेल्फ क्वारंटीन में हूँ अपने घर पे, जो कि बहुत पुरानी हवेली है। ये लगभग 1980 के टाइम से बनना स्टार्ट हुआ था और कुछ साल में बन गया था। तो इधर अभी कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ और मेरे मम्मी, मेरे पापा, तीन लोग हैं। हम लंबा चौड़ा घर है हवेली टाइप का। तो मैं यहीं पे आया हूँ अपना सेल्फ क्वारंटीन में, यहीं पर हम लोग खाना पीना कर रहे हैं। और मैंने सोचा कि दिखा भी दूँ आप लोगों को कि कैसा है घर द्वार, घर को पूछते थे कि कैसा है, दिखाओ गांव का हवेली। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो दिखा देता हूँ। ये था हवेली और अभी बाकी सब पूरी फैमिली शहर में है, मोतिहारी शहर में। वो भी अपना घर बनवा के वहीं पर रह रहे हैं, तो भाई, भतीजा, भाभी सब लोग उधर ही है। और हम लोग आए यहाँ पे, मतलब मैं आया हूँ स्पेशली, साथ में मम्मी पापा यहीं पे रहते हैं पहले से। तो 15-20 दिन हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं कहीं आना जाना चालू करूँगा। क्योंकि मैं मुंबई से आया हूँ तो वहाँ पे बहुत सारा वो कोरोना का मरीज बहुत सारे मिल रहे थे। तो मैंने खुद सोचा कि लाख में स्वस्थ हूँ, सब तरह से ठीक है, लेकिन जो फॉर्मेट है वो मैं पूरा करना चाह रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सेल्फ क्वारंटीन रहूँगा 15 दिन के लिए। और गांव का जो वातावरण है, यहाँ पे जो माहौल है, यहाँ का जो वायु है प्योर है, शुद्ध है, और किसी को कोरोना हो भी जाता है और ऐसे एरिया में आके रहता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि यहाँ का हवा शुद्ध है और जिसको नहीं हुआ है उसका तो कोई बात ही नहीं है ये सब बीमारी। क्योंकि अभी यहाँ का जो पॉल्यूशन रेट जो है बहुत कम है, यहाँ के एयर पॉल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन सब कुछ कम, हवा बहुत तेज चल रही है, इतना अच्छा लग रहा है इधर। मैं कई देशों में गया, इंडिया में तो खैर कई जगह पे गया हूँ, कई देशों में गया, लेकिन जो दिल को सुकून जो यहाँ पे मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। यहाँ पे आने के बाद एक दिल को सुकून, दिमाग को शांति, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन एक तरफ ये भी बात है कि यहाँ पे परमानेंट कोई नहीं रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, इंटरनेट से चल रहा है। मेन प्रॉब्लम ये है क्योंकि हम लोग का सारा काम नेट से होता है, तो इंटरनेट फैसिलिटी होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप कुछ दिन के लिए आते हैं घूमने के लिए, रहने के लिए, फार्म हाउस बनाने के लिए अगर बनाना चाहते हैं और फिर आप यहाँ पे आते हैं कभी कभी, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा जगह है ये।
तो मुंबई बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं उनके लिए अच्छा है यहाँ पे। अगर आप कभी आते हैं महीने में 10 दिन के लिए या साल में 10 दिन के लिए, जब भी आपको मौका मिले तो आप यहाँ पे आके रहते हैं तो दिमाग को बहुत शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा, फिर आप जाके अच्छे से काम कर सकते हैं एक अपना वे में। और मैं लोगों को बताना भी चाहूँगा जो बड़े शहरों में रहते हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपका फार्म हाउस हो, कोई आप बंगलो बनाना चाहते हैं तो उनको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकता हूँ अगर ऐसा कोई है तो। बहुत बड़े बड़े प्लॉट यहाँ पे हैं जो कि लोग कुछ लोग बेचना चाह रहे हैं, वो खुद से बड़े शहरों में बस गए हैं और उनके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतनी ज़मीन है कि उसको कोई देखने के लिए नहीं है, वो लोग बेचना चाह रहे हैं और अच्छे रेट में मिल जाएगा। गांव है लेकिन यहाँ पे आपको लाइट, पानी, रोड, ये सब का फैसिलिटी मिलेगा, सब फैसिलिटी सब कुछ है। बस एक ही चीज़ की कमी है, मोबाइल नेटवर्क का, इंटरनेट स्लो चलता है मोबाइल, तो वो अच्छी बात है जो बड़े शहरों में रहते हैं उनके लिए, क्योंकि उनको कुछ दिन के लिए ना अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके इंटरनेट से दूर सुकून भरी ज़िंदगी अगर जीना है, बिताना है, तो उनके लिए जगह सही है। चलिए अभी और आगे की बातें बताएंगे, मिलते हैं थोड़ी देर में। कोई मैं ढूकल करने दूंगा लौकी कर लौकी करने दी बोले लौका तो लौका में बोले कहां बा उन्होंने फुलवा के नीचे करके के ऊपर में छोड़ दे दो आ साथ अरे बड़ी मोट के गहुआ साथ हमरा घर में ढूक गर रखई को गहुआ ना आके देख ला लाल बा ओ मोर से मत आओ ना वो ना नहीं कहीं तो होने बा फूल में बा जात तो का हो जो देखा सर किया प्रभाव जी धामी नहीं हो ना कभी ना हो ए धामी ना है बाबू हां यो दादा तू जा रहा मत मरवा दियो धामी हम मरवाए ना हमारे वाला के होइले नहीं के माने गहुआ न लाल बा छोड़ ना है धमिया ने बगले हकलो बना भागे जल्दी गहुआन बा हमरा अंगना हट हट जाने से जईबो ना करियो ना करी अब है ना ही भागी अब तू नहीं आता गहुआन न अरे बाबू धामी ना छोड़ ना तू चल 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 छोड़ लो अब भाई देखा में घुसी हुई ए लाल गरवा बा लाल का वही में तो बैठल बाटे अरे तो कूदे वाला बुझा था का दुन हम कुछ जंप प्लान करी जंप करके कहीं इतना न काटी ननु अब सोचे तक बाबू हम कहां फटल वाली ना मारे के ना बाबू मुआ के ना गिरा दी नहीं से मर गया जान मारत नहीं किनु मरबा तो ये मरबा तो 500 आई घर ये उमर के तो इसी में होता है वैसे उतर जा आजा आजा उतर जा उतर नागी ना वैसे गिरा ना रे नागी ना है ना मुड़ा अब देखो गिरा दे वैसे गिरा दे गिरा तो मुस्कान तू अपने रथिया से गिरा ना दे सा नीचे गिरा देवे भाग दे जय विष्णु भगवान शंकर जी की जय हो जंप रन करे वाला बा जय हो भोले बाबा की जय हो भोले बाबा की जय नीचे गिरा दे सा गिरा दे भोले बाबा की जय हो भोले बाबा की जय हो गिरा दे फटा से गिरा दे गिरा दे गिरा दे सा नीचे चल जा अच्छा जाने जिक्र के मेरे जा डूब जाई तो जी हाल बाबा हां हां गिरे गिरे नीचे गिरा दे हां हां बल्ले 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 गिर गया बोले बोले
Cycling in the village to work taller. No. अजीब दास्तां है no thanks. Cycle right. देखिए इस गांव में लाइट भी है, पानी है, रोड है, सब कुछ, बस नेटवर्क नहीं है। मोबाइल का नेटवर्क नहीं रहता है सही से। गांव में बिल्डिंग बन रहे हैं, बहुत सारी खेती हो रही है। आ देखो जी, हर टाइप के लोग इधर दिखेंगे, गांव के भी शहर के भी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक पुलिया। यहाँ पे इसको नहर बोलते हैं, और पता नहीं क्या, जिसको जो समझ में आ रहा है बोलो। पुलिया। आए देखो जी, और स्कूल, प्राइमरी स्कूल। साइकिलिंग करके बहुत मजा आ रहा है आज तो। अब देख सकते हो ये रहा पुलिया। साइकिलिंग हम कोई जगह उतरे पानी हो एकड़े। देखो ये रहा पुलिया। ये रहा रास्ता, और ये रहा मैं। ये देखो खेती, मशीन से पानी निकाल रहे हैं पुलिया से और खेत में डाल रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है, इतना हवा, बसंती चमन। ये देखो दुकान मैंने खोला। ये रहा कब्रिस्तान, मुसलमान भाइयों का कब्रिस्तान। टिकड़े टिकड़े। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहां, ए मेरे दास्तां। दो तीन गांव पार करने के बाद
एक छोटा सा मार्केट आएगा। उस मार्केट में ऑलमोस्ट सब चीज़ मिलेगा। ये रहा मस्जिद बन रहा है। मंदिर पीछे की तरफ में, और ये रहा गांव का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये रहा गांव का उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, ये रहा छोटे छोटे दुकान खुले हुए हैं बहुत सारे। उसके बाद बहुत सारे बिल्डिंग अच्छे अच्छे बन रहे हैं। पहले के टाइम में होता था सब घर, अब टूट तोड़ के लोग बिल्डिंग। ये मदरसा है, ये मुस्लिम बहुल एरिया है। ये भी कब्रिस्तान उधर साइड में, एक मंदिर, बहुत पुरानी मंदिर है, आज़ादी से पहले की मंदिर है। और ये रहा कब्रिस्तान, यहाँ भी राम मंदिर की तरह झगड़ा है। इधर से उन लोगों ने घेर रखा है, बोलता है कब्रिस्तान है, और हिंदू लोगों का वहाँ पे मंदिर है बहुत पुराना, आज़ादी से पहले का। अब क्या सच्चाई है पता नहीं, लेकिन मंदिर वहाँ पे है बहुत पहले से, और उधर कब्रिस्तान भी है, तो किसका किधर क्या जमीन है कितना पता नहीं। तो देखना पड़ेगा, ये छोटा सा ग्राउंड है, और ये रहा मार्केट, मार्केट है थोड़ी देर की। सोचता हूँ कि कितने मासूम थे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये चूहा का बाद में सफ़र करते हैं उसको दिखाते हैं।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा आप लोगों को, अच्छा लगा होगा, ख़राब लगा हो, कोई भी कमी रह गया हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।